मैं सौरभ कुमार सिंह स्योर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1000 क्वेश्चन का पार्ट टू, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर रेलवे के लिए तो VVI है। 1 से 50 तक हम फर्स्ट पार्ट में करवा चुके हैं एंड सेकेंड पार्ट लेके आए हैं 51 से 100 तक। आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अपना स्कोर भी बताइएगा लास्ट में कितना आया। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। 52 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेरकत्व का। 53 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है, अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है कितना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 536 किलोरी प्रति ग्राम। 56 नंबर क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोएंटजेन। 58 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का क्या काम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। 59 नंबर क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में तंतु पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीपा में। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्यू सेक से क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल का बहाव। 62 नंबर क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशिकीय घटना के कारण। 63 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लैन वेग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 64 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 घंटे का। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3600 किलोमीटर। 66 नंबर क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को। 67 नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। 68 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच का। 69 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कौन सा तत्व बहुताया से पाया जाता है बहुत मात्रा में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम। 70 नंबर क्वेश्चन है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्षों में एक बार खिलने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरिजन स्राव। 71 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। 72 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तभी जस्ट बताएं आप सभी को, तो ऑप्शन डी होगा, रेफ्लेसिया। 73 नंबर क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तना। 74 नंबर क्वेश्चन है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हैंसन ने। 75 नंबर क्वेश्चन है, उत्तकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हिस्टोलॉजी। डीएनए का द्वि कुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाटसन एवं क्रिक। 77 नंबर क्वेश्चन है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है,
और कौन सा रंग दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी हरा रंग। लाल और हरा में वो फर्क नहीं कर पाता है कि ये लाल है या हरा है। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किस में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों में, एक पीढ़ी के बाद होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्वसन। 81 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17। 82 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिना मिट्टी का पौधा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा में। 84 नंबर क्वेश्चन है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है किससे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, निचली सतह से। 85 नंबर क्वेश्चन है, बेरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, आंधी तूफान। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ। 86 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, कम। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 88 नंबर क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक तथा उल्टा। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 90 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दूरी की। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर बराबर होता है कितना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10^-7 सेंटीमीटर। मीटर में होता तो 10^-9 होता, यहाँ सेंटीमीटर में है इसलिए 2 घट जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार कौन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। 94 नंबर क्वेश्चन है, टेकियान से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। 95 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 639। 96 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 206। 97 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन। 98 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वसा से। और 99 नंबर क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आयरन के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत से। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो यदि आप सबों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, इससे हम सभी को मोटिवेट मिलता है। नेक्स्ट डे हम इसका पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।